भारत की दशा पढ़ो 1951 में, रोने लगोगे। और दुनिया के विद्वानों ने भविष्यवाणी कर रखी थी कि यह देश 5 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। देश भिकमंगा बेगर, हम अनाज भीख मांग रहे थे। दो दो दुश्मन सामने बैठे हुए थे, एक चीन एक पाकिस्तान। खाने को पैसा नहीं था, कोई पैसा देने को तैयार नहीं था हमें। नशे करते हैं क्या? आज तो गाड़ी उड़ाई है, तो पब्लिक फूड आऊंगी खड़े खड़े। तरुण कमांडो भी 38 लड़कियों को सुरक्षित निकाल। एक बोरी अन्न तुम्हारे सारे आमों के लिए पर्याप्त है? बिल्कुल महाराज नंद, आप बड़े परोपकारी हैं। कृष्णा को फल चाहिए। रो मत नन्हे कृष्ण, मेरे फलों के लिए इतना ही पर्याप्त होगा। मेरे पास तो एक ट्रिक है अपने घर में, मुझे अपनी पत्नी को रुलाना तो मुझे एक गीत पता है। जैसे ही वो गीत चलेगा कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, मुझे अच्छे से पता है। तो मुझे जब जब माहौल बनाना होता है उस तरह का, थोड़ा इमोशनल टाइप है, वो गीत चलाए तो माहौल बन जाता है एकदम रोने वाला। क्योंकि एक वो गीत है, अब क्यों बताऊं यार आप लोगों को, कहीं आप फिर मैसेज कर देते उनको कि सर ये बता रहे थे क्लास में, आप पिटवा दोगे मुझे, छोड़ो। अरे काम ऐसा नहीं है, उनके पिताजी की मृत्यु जब हुई वो उनको बड़ा लगाव था, तो एक गीत उन दिनों हम सुना करते थे, यूं ही शौक था हमें। वो जगजीत सिंह की गजल ही है कि कहां तुम चले गए, वो आपने सुना होगा ना। अब उसका लिंक ऐसा बैठ गया उनके दिमाग में उस घटना से और इस गीत के बीच में कि वो गीत अगर कहीं भी चल रहा हो तो बही होगी कविता अनजान हो जाता है कभी। तो मैंने वो सेव कर रखा अपने फोन में। ये सब चक्कर में पड़ो, ताकतवर बन गए, ईमानदार बनो, ताकतवर बन गए, मेरी बात को पूरा सुनो, ताकतवर बनो, ध्यान करो, ताकतवर बनकर ईमानदार बनो, ताकतवर बनकर किसी को प्रेम करो, ताकतवर कि तुम्हें कोई भाग ना पाए छोड़ के। आज अपने इमोशन किसी पे लुटाओगे और कल छोड़ के चला जाएगा, कितना दुख होगा तुम्हें। और कल जब तुम ताकतवर रहोगे और छोड़ के चकला चला जाएगा तो तुम दूसरा बुला लोगे। मैं तुम्हें कुछ ऐसा नहीं कह रहा हूं गलत करो, मैं कह रहा हूं ताकतवर बनो, उसके पहले तुम कुछ भी मत सोचो, अच्छा भला बुरा समाज कुछ भी नहीं। तुम अपनी सारी ताकत लगा दो अचीवमेंट के पीछे। पापा उससे बात कर लो। हेलो, सुनो मेरी बेटी खाना नहीं बनाती इसलिए जोमेटो डाउनलोड कर, कपड़े नहीं धो पाती इसलिए अपने और उसके 30 दिन के कपड़ों का बैकअप रखना, बहुत जल्दी बोर हो जाती है इसलिए नेटफ्लिक्स और प्राइम का सब्सक्रिप्शन हमेशा ओके रखना, 365 दिन घर पे नहीं रह सकती है इसलिए साल में कम से कम 2 इंटरनेशनल ट्रिप कराना, लेट नाइट सोने की आदत है इसलिए मिडनाइट स्नैकिंग कराकर ही उसको सोना, और हाँ सुबह जल्दी नहीं उठ पाती इसलिए अपनी और उसकी चाय खुद बना ले। और एक बात ध्यान से सुन लो, आज तक उसे लड़ाई में कोई नहीं हरा पाया है इसलिए कभी भी झगड़े की कोशिश मत करो। ये सब सुन के अगर दिल घबरा रहा हो तो जल ग्रहण कर लेना। ओके बेटा। पापा यार इतना भी सच नहीं बोलना था। उसी तुम्हारे चरित्र वाकई में एपिटोम ऑफ प्योरिटी। तो हालांकि हमें सुनने में आता है कि उन्होंने कई बार परीक्षाएं दी, पर वास्तव में परीक्षाएं वगैरह कुछ नहीं थी उनकी, सिर्फ भगवान की लीला है। एवरीवन नोज कि सीता मैया को छू नहीं सकता, नोबडी कैन टच हर। वो वास्तव में सीता का हरण, सीता मैया का हरण हुआ नहीं था, वो तो छाया सीता थी जिनका हरण हुआ था। सीता को तो छूने की रावण की कोई औकात ही नहीं है, वो तो धनुष उठाने की लीला से पता लगता है कि उसकी औकात थी। धनुष जो भाई साहब उठाए, उंगलियां जिसकी दब जाए, और वो सीता मैया जो धनुष को ऐसे गोल गोल घुमा करके फूल पत्ते तोड़ ली, तो मतलब हु इज रावण।
तो वास्तव में सीता मैया का स्पर्श तो कभी रावण ने किया ही नहीं, योग माया का स्पर्श कभी भी राक्षसी दादी नहीं कर सकते, लेकिन छाया सीता यानी महामाया का संपर्क एट द मैक्स कर सकते हैं, और उसका संपर्क करने वाला उनका नाश होता है।